लास्ट पॉइंट आई वांट टू से, आपने इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ड यूज किया. यू सेड कश्मीर इज द कॉर्नर स्टोन फॉर पाकिस्तान, लेकिन इस कॉर्नर स्टोन ने पाकिस्तान को एक कॉर्नर में लाके खड़ा कर दिया. इस कश्मीर के कार्ड ने पाकिस्तान को जला दिया. इस कश्मीर के कार्ड ने आपको ऐसी कंडीशन में खड़ा कर दिया है कि आपको बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ गई है. थिंक अबाउट इट. ऑल द बेस्ट टू यू. नाइस टॉकिंग टू यू. कि देखिए, जब तक आप कश्मीर का राग रंगते मतलब करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है. अगर आप इंटेलिजेंटली देखें तो जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था भारतीय पार्लियामेंट से, तो आई थिंक यू शुड टेक अ क्यू. आई थिंक द कश्मीर कार्ड स्टोरी नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान इज टोटली ओवर. पाकिस्तान को टेररिज्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा. ये पहला वे फॉरवर्ड है. देखिए, हमारी तो बात छोड़िए, एफएटीएफ ने बोला है, उन्होंने 3 चीज कही है कि पाकिस्तान हैज फेल्ड टू फुलफिल 3 की टेस्ट रिगार्डिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग. पहले आपको वो करना पड़ेगा. फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज येट टू डेमोन्स्ट्रेट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दूसरा पॉइंट ये है. तीसरा पॉइंट, उन्होंने आपके कोर्ट को भी हिदायत दी है और रिक्वेस्ट किया है कि देखिए, आप अपने जो पनिशमेंट्स है प्रोपोर्शनेट कीजिए इन टेररिस्ट को. ये 3 बातें उन्होंने कही है. और उन्होंने कहा है कि वो इंक्रीज मॉनिटरिंग आपके ऊपर में करेंगे इन 3 बातों के लेकर. ये पहली बात है. दूसरा, मैं बहुत नम्रतापूर्ण भी और बहुत स्ट्रांगली फॉर्मली भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जब तक आप कश्मीर का राग रंगते मतलब करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है. अगर आप इंटेलिजेंटली देखें तो जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था भारतीय पार्लियामेंट से, तो आई थिंक यू शुड टेक अ क्यू. आई थिंक द कश्मीर कार्ड स्टोरी नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान इज टोटली ओवर. इफ यू डीलिंक योर सेल्फ फ्रॉम दैट, एंड एक्चुअली ये 22 अक्टूबर 1947 से आपकी स्टोरी नैरेटिव तरीका वॉज ऑन. अनटिलनेस यू टेक दिस आउट आउट ऑफ योर परस्पेक्टिव, द थिंग्स कैन नॉट गेट करेक्टेड. अगली बात, एक बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में इट हैज बीन टोल्ड टू पाकिस्तान मेनी टाइम्स दैट टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टूगेदर. लेकिन इन सब के बावजूद भी जो फरवरी से पाकिस्तान से सिग्नल आ रहे हैं, जो 2 फरवरी को पाकिस्तान आर्मी चीफ हैड सेड कि अमन का हाथ, एंड आई वुड से दिस फर्स्ट टाइम दैट 5 फरवरी ऑन द कश्मीर सॉलिडरिटी डे, जो सुर था वो अलग था पाकिस्तान का. जो 18 फरवरी को देयर वाज अ मीटिंग ऑफ सार्क नेशंस ऑन द कोविड इश्यू, एंड फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान डिड नॉट मेंशन द वर्ड कश्मीर इन दैट कॉन्फ्रेंस. एंड देयर आफ्टर यू हैव सीन दैट इंडिया परमिटेड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स फ्लाइट थ्रू इंडियन एयर स्पेस. सो आफ्टर दैट, इफ यू लुक एट द इवेंट विच हैव हैपेंड इन द डीजीएमओ टॉक्स, वी हैव टॉक्ट अबाउट द सीज़फ़ायर ऑन एलओसी. आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी गुड बिकॉज दिस विल ब्रिंग रिलीफ टू द बॉर्डर एरियाज. हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। जनरल गुरमीत सिंह ने साफ पाकिस्तानियों के मुंह पे बोल दिया है कि कश्मीर का सपना देखना छोड़ दो, अपनी आवाम की तरफ ध्यान दो। और तुम्हारे जनरलों ने पाकिस्तान की यह हालत कर दी है। आज पूरी दुनिया में तुम भीख मांगने की कगार पे आ चुके हो और कमर चीमा को साफ कह दिया है। वे फॉरवर्ड खाली यही होगा कि 24 घंटे तुम भारत के पीछे आतंकवादियों को मत लगाओ, इसी के जरिए रास्ता निकलेगा। वरना जिस तरीके से तुम गड्ढे में गिर चुके हो, और भी खाई में गिरने के लिए तैयार हो, क्योंकि भारत ना तो कश्मीर तुम्हें पहले देने वाला था, ना है और आगे देगा। ये सपना देखना छोड़ दो, अपनी आवाम की तरफ ध्यान दो। धन्यवाद।